साउथर्न टास्क फोर्स टीम मधुमोहन रेड्डी और उनके सब इंस्पेक्टर्स और टीम अलॉन्ग विद एक्साइज ऑफिशियल्स ऑफ चारमीनार एक्साइज स्टेशन मिलके तीन आदमी को पकड़े जिनके पास से 22 फॉरेन लिकर बॉटल्स हम लोग सीज करें। ये फॉरेन लिकर बॉटल्स यूजुअली ड्यूटी पेड रहता और सिर्फ ऑथराइज्ड और डेजिग्नेटेड एरियाज़ में ही भेजना, शॉप्स में ही भेजना। लेकिन ये लोग पुराने बॉटल्स को प्रोक्योर करके, यानी इस्तेमाल करने के बाद, लिकर कंज्यूम करने के बाद है सो बॉटल्स प्रोक्योर करके, जिसमें इंडियन लिकर यानी IMFL लिकर और थोड़े एडल्ट्रेटेड लिकर और ज़्यादा थोड़े स्पिरिट्स नहीं तो एप्पल जूस, ये सब मिला के एक फॉल्स सील यानी फेक सील खुद मैन्युफैक्चर करे सील को, वो बॉटल्स को सील करने के बाद नीडी कस्टमर्स को भेजने के लिए कोशिश में है। यूजुअली फॉरेन लिकर्स आर ऑफ हाई कॉस्ट यानी 10,000 और उससे बढ़ के रहता, लेकिन ये लोग 1,000 नहीं तो 2,000, जैसे कि ये स्मगल्ड गुड्स के नाम पे ये फॉरेन लिकर भेज रहे। ये सिर्फ चीटिंग भी नहीं है, ये IMFL लिकर नहीं तो फॉरेन लिकर पूरा एक डेजिग्नेटेड एरिया में भेजना वो एक्साइज एक्ट के खिलाफ है। और ये जो उसमें एडल्ट्रेटेड कर रहे हैं, ये जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर नहीं तो ये स्पिरिट, ये जो मिलाना भी वो हेल्थ के लिए डेंजरस है। एंड इसके फॉरेन लिकर बोलते हो थोड़े लोगों का ज़रा क्रेज़ी भी रहता, क्योंकि ये फॉरेन से इम्पोर्टेड है, वो डिमांड, वो क्रेजीनेस मन में रखते हुए ये लोग नॉर्मल लिकर को ये फॉरेन बॉटल्स में पैकिंग करके जो आप सामने देख रहे हैं वो लोग सिर्फ सील कर रहे हैं। वो बॉटल दिखने में भी, बॉटल का पैकिंग भी बहुत पुराना है और बॉटल्स भी पुराने हैं और इनके ऊपर जो कॉर्क या जो लिड जो लगा रहे वो भी बहुत पुराने हैं। वो लगाने के बाद उसके ऊपर वो कस्टमर को डाउट नहीं आना ये करके एक सील लगा के वो लोग भेजने के लिए कोशिश में थे। तो तीन जनों को हम लोग पकड़े, जिसमें विजय कुमार ये लाल दरवाज़ा छतरी नाका का है और हरीश केसवानी इनो किंग कोटी का है और एक मुकेश अग्रवाल इनो वेस्ट मारेटपल्ली सिकंदराबाद के है। ये तीनों मिलके थोड़े नीडी कस्टमर्स को भेज रहे हैं। हमें सोसाइटी में ये कल्चर भी है कि थोड़े इम्पोर्टेंट पीपल के पास गए जब गिफ्ट्स के तरह ये फॉरेन लिकर भी ऑफर करते हैं। ये जो लिकर ये गिफ्ट देने के लिए भी ये लोगों के पास से ये लोग परचेस कर रहे हैं, उनका डिमांड मन में रखे ये लोग 2,000-3,000 वैसा जितना भी मन में आया उतना अमाउंट को ये लोग भेजने के लिए कोशिश कर रहे थे। और जिसमें अभी है सो लिकर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट नहीं तो एडल्ट्रेटेड है, ये पूरा सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद, लैब को भेजाने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अभी तीनों को कोर्ट में पेश करते हैं और ये पकड़ने में हमारा टीम मधुमोहन रेड्डी इंस्पेक्टर और चारमीनार एक्साइज इंस्पेक्टर साधिका लीजी और उनके टीम और हमारे सब इंस्पेक्टर टास्क फोर्स के सब इंस्पेक्टर श्रीशैलम वेंकटराम रेड्डी वर्मा और उनके टीम पूरा मिलके ये इसमें शामिल है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ये नॉट ओनली दे चीटिंग भी नहीं है, ये पब्लिक के हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है, जिसके साथ वो लोग कुछ डिसेस भी आ सकता है, क्योंकि ये डिस्टिलेशन पूरा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में लगेगा, पूरा गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड डिस्टिलेशन यूनिट में वो टेम्परेचर जो भी है उनका पूरा डिस्टिलेशन पूरा एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रहेगा। अभी जो कर रहे सो सिर्फ उसमें क्या क्या मिलके है वो हेल्थ के लिए ठीक है कि नहीं वो रिपोर्ट आने के बाद फर्दर प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करते हैं।